I'll run a little song for ya. It go like कैसे हैं आप लोग हमारी एक और नई वीडियो में। एक सेकंड थोड़ा आवाज़ कम कर लेता हूँ। तो मैंने जो है आज एक कल जो है बहुत दिन पहले ही आपको बता दिया था कि एक सीक्रेट मतलब कि एक नीचे बनाया हूँ अंडरग्राउंड हाउस, उसमें बहुत कीमती सामान है, बहुत मुश्किल से जो मैंने जमा करके रखा है वो मैंने डाला है। और मैंने ना अपने मोड को जो है नॉर्मल करके रखा है कि नहीं मैं देख लेता हूँ। डिफ़िकल्टी हार्ड भाई? नहीं भाई, नॉर्मल रखना है हम लोगों को। और यह मैंने कुत्ता भी पाला है, बता ही दिया था मैंने। और ओ नो 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 नो, बंद कर बंद कर, चलो बंद हो गया। तो हम लोग की एक्सपी देख लीजिए 2000 है। तो मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि कैसे आप एक्सपी ले सकते हैं बहुत सारे। एक वेंडरिंग ट्रेडर है यहाँ पे, एक मिनट मेरी शॉट कहाँ गई, ये रही। तो मुझे एक माइनक्राफ्ट भी मिली थी और ये देखो मैंने इस पर क्या क्या लगाया भाई साहब। और हाँ, वो मुझे वहाँ से मिला अपने इस लाइब्रेरियन ने मुझे दिया है। वो तो मर गया ना, उसको मैंने मार दिया था क्योंकि उसके वो जो है पूरे लेवल पे आ गया था, तो मैंने उसको मार दिया। ये वेंडरिंग ट्रेडर क्या लाया है? ओ सॉरी सॉरी का, ओ नो 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 नो, भाग मत यार। तू क्या देगा? एमरल्ड तो है मेरे पास, पर तेरे पास फालतू है सब कुछ। ओ भाई एमरल्ड है मेरे पास रखा हुआ। रुक, मैं भी आता हूँ, रुक। अरे कभी ये खुलता ही नहीं। हाँ तो मुझे चाहिए था, कहाँ गया एमराल्ड मेरा? दो ही एमराल्ड है अभी तो। मुझे बहुत सारे अपने माइनिंग से एमराल्ड मिले थे, 5। एक एमराल्ड और बस एक एमराल्ड और चाहिए भाई। इधर भी नहीं है। बैरल में देखे थोड़ा, बैरल में भी नहीं है। हाँ मिल गया भाई। और मैंने जो माइनिंग की थी मुझे 48 डायमंड मिले थे मेरे फॉर्च्यून 3 वाले पिकैक्स से। हाँ भाई आ जा, चल मुझे आइस दे, जितनी दे सकता है उतनी दे। सीड की तो कोई ज़रूरत नहीं है, सैंड की तो कोई ज़रूरत नहीं। कैक्टस दे, कैक्टस की कमी है अपने पास। चलो कैक्टस का फार्म उगाएंगे। कैक्टस वैसे उगाते कैसे, अगली वीडियो में देखेंगे, पहले थोड़े और एमराल्ड ढूंढ ले। तो मैं जब थोड़ी देर में आपको अपना अंडरग्राउंड दिखाऊंगा, बहुत सुंदर है यार। अरे यार क्या होता है यार ये। चलो तो एक और चेस्ट था ना, एमराल्ड कहाँ गया यार? और हाँ मैंने नेदर पोर्टल से थोड़े ग्लोस्टोन लिए था। ओ नो 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 नो, अभी तो मैं जाने वाला था। तो उस वेंडरिंग ट्रेडर को हम लोगों को पकड़ के रखना है। तो कैसे रखें उसको पकड़ के? असल में बताओ ये वही वेंडरिंग ट्रेडर है जिसका मैंने लामा को पकड़ के यहाँ पर बांध दिया है, इसलिए ये यहीं पे घूम रहा है। तो उस वंडरिंग ट्रेडर को भी नाम दे क्या? नहीं दे सकते यार। तो हमें इसको पकड़ के रखना है, तो कैसे पकड़ के रखें? अरे यार ट्रेड नहीं करना मेरे को, पहले गाजर खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी थी। हाँ तो अब चाहिए हम लोगों को, ये देखो भाई मेरा सूट और एक और न्यू स्किन जो मेरे से सूट करता है एकदम सूट। इसको हम लोग क्या दें? पोटैटो दे देते हैं, रॉटन फ्लेश तो पहले से ही। कभी नेम टैग की ज़रूरत पड़ी तो नेम टैग, हाँ भाई नेम टैग जो मुझे मिले थे बहुत सारे। नेम टैग की तो कमी नहीं है हम लोग के पास। अरे क्या हो रहा है, 50 इसका पूरा है क्या? कारपेट और ये चलो हो गया, तो सो लेते हैं, रात हो गई है। वो एंड पोर्टल भी यहाँ से दिखता है। वाह भाई बहुत मज़ेदार लगता है। हाँ सो हम लोग क्या करने वाले थे, नेम टैग बचा हुआ रख देता हूँ, बैडल में रख देता हूँ। तो नेदरराइट भी मुझे बहुत, एक जो है
क्या कहते उसे, शॉवल, शॉवल बना लिया था और ये भी मैंने बनाया है। एक बार इसके ऊपर जाते हैं। ओ भाई देखो कितना मज़ेदार है ये, बहुत ऐसा नहीं है, बस मैंने वहाँ पे गया थोड़ी दूर पे और वहाँ से जाके मैंने ले लिया, सीयर्स से काट लिया। तो हमारा जो, मैंने बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जो मेरे विलेजर्स थे, जितने भी विलेजर्स थे मेरे, आते ही सब जॉम्बी बनते चले गए सब, इसलिए मुझे अकेलापन सा लगने लगा। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास दो विलेजर्स बचे थे तो दोनों को बोट पे बिठा के मैं यहाँ ले गया। तो दोनों ने को मैंने ब्रेड दिया, ब्रेड फेंका, मेरे पास 22 ब्रेड थे तभी, तो ये बन गया। और ये लोग बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी निकलने देते मैं लोगों को। और हाँ, मुझे एक और बात बतानी थी कि हम लोग जो है इन लोग को एक्वाइप तो कर ही सकते हैं, कर तो सकते ही हैं एक्वाइप, पर एक और बात है, हम लोग इनको पोज भी दे सकते हैं। ये देखो ये ऐसे ऐसे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, वो है ये, इसको हटा लेता हूँ। और ये देखो, ये बिल्कुल हम लोग का, वो जो हम लोगों ने वहाँ बनाया है, जो नाच रहे हैं सालों से है, वो ये देखो सेम टू सेम। ओ नो भाई, तोड़ दिया मैंने, है इसको लगा देता हूँ फिर से। चलो हम लोग चलते हैं। चलो यहाँ कैक्टस लगा दूँ, यहाँ कैक्टस यहाँ नहीं लगते, सैंड में लगते हैं। तो सैंड तो हम लोग का है इधर। हाँ, और ये फॉक्स यहाँ अटके हुए, जो मैंने लीस्ट से पकड़ के लेकर आया था। ओ भाई सॉरी भाई, ओ मैं उसको सॉरी क्यों बोल रहा हूँ। ओ नो, ब्रेड खा लो। ये देखो देखो सेम वैसा ही होगा, ये देखो। ये कोबल स्टोन जो है ना, बहुत काम की चीज़ है, रियली कहूँ तो। तो हम लोग जो है अपने सीक्रेट घर प्लस, और एक और हम लोगों ने एक जगह ढूंढी थी वो भी दिखाऊंगा, पहले सीक्रेट घर देख लेते हैं। तो गाइस चलते हैं हम लोग अपने सीक्रेट घर पे, मैं बहुत नर्वस हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। पहले मैं अपना सामान रख लेता हूँ, ये ग्लो स्टोन और ये पिघल जाएगा ना, नहीं पिघलेगा। 4-2 सील्ड एंडर पर्ल, तो बहुत कीमती चीज़ है। कारपेट, बैरल मुझे और लगाने पड़ेंगे, मैं भूल भी गया बैरल बनाने की रेसिपी। बैरल के लिए चाहिए स्टिक्स और स्लैब। स्लैब की तो कोई कमी नहीं है, अरे क्या होता है स्लैब, वो उसके लिए वुड चाहिए, वुड भी ख़त्म हो गया था हमारा, भाई ख़त्म तो नहीं हुआ, यही कहीं रखा होगा। अरे किधर गए यार मेरे, तेरे आवाज़ बढ़ा देता हूँ। चलो ये तो मैं बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, थोड़े कट करके लाने पड़ेंगे मुझे, तो कट करने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस, आप लोग तैयार हो? मैं तो बहुत तैयार हूँ। चलो हम लोग चलते हैं अपने, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो इसको दिखा के हम लोग बंद करते हैं। यहाँ मैंने बैरल बना लिया है और ये भी बना लिया है, इसके लिए लेदर चाहिए होता है। तो चलो, वो नहीं कूद पाया तो मैंने लेदर लगाया है। और ये देखो यहाँ पेंटिंग है कुछ, एक पेंटिंग लगाना भूल गया मैं, तो ये पेंटिंग ये यहाँ पर लगाया मैंने। और यहाँ थोड़ा छोटा है तो ये भी लगा दिया मैंने। यहाँ चलते मेरा ट्राइडेंट रखा हुआ है और ये जो मैंने स्टील टच से निकाला और बुरी टच मार दी है। चार्ज रिस्पॉन पॉइंट सेट, यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट। ये रूम था छोटा सा, और यहाँ पे, और यहाँ भी एक रूम है, और यहाँ पे हम लोग का है गोल्डन आर्मर जो हम लोग कभी भी पहन सकते हैं। तो ये था, और यहाँ पे बेड है, कभी मैं आके सो सकता हूँ रेड के वक्त। तो बस इतना ही था, तो बाय बाय। अरे रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, रुको, पहले तो अभी सीक्रेट दिखाना तो बाकी है, सीक्रेट तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आप लोग सोच रहे होंगे इधर है क्या, क्या सोच रहे हो, एक रूम? तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, यहाँ एक लीवर,
दबाते ही कुछ नहीं हुआ, और जब मैं इस पेंटिंग तोड़ूंगा तो यहाँ एक रूम खुलेगा और यहाँ पे है मेरा एक्सपी फार्म। और आप लोग सोच रहे होंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो सही सोच रहे हैं। AXP Farm gave 990 million experience to Gamer Boy 1504. और यहाँ पे आपको ये कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे ये क्यों लगाया मैंने, आप लोग सोच रहे हैं डेकोरेट के लिए। कोई बंदा आएगा कहेगा अरे ये यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है डेकोरेशन के लिए है। तो जैसे वो और ये इतना स्मार्ट बंदा आएगा यहाँ पर मेरे वो सबसे ताकतवर पंच वाली ये जो है देखेगा कहेगा भाई तो पागल ही हो जाएगा कि यहाँ पे मेरा एक डायमंड का पूरा सेट लगा हुआ। और एक और बात, अब एक और बात ये है कि हम लोगों को इसको बंद कर देता हूँ। और हाँ मेरे ग्लोस्टोन ख़त्म हो गया तो मुझे ग्लोस्टोन बनाने पर। तो गाइस रात के वीडियो के लिए इतना ही, और आज की वीडियो में लास्ट में हम लोग करेंगे बाय बाय।